हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं इनके तुलसी, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम जो स्टडी करने वाले हैं वह है सॉलिड स्टेट। बहुत ही खूब सुंदर, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट और बहुत ही अच्छी टॉपिक आपको पढ़ने को मौका मिलेगा सॉलिड स्टेट के अंतर्गत। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम जानेंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है और सॉलिड स्टेट के विशेषताएं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हम आपको बता देना चाहता हूँ, मैटर पदार्थ या द्रव्य, जो बोलना है बोलिए, पदार्थ या द्रव्य बोलिए। ठीक है, तो पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सॉलिडों में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अभी भी जो कण होते हैं, चाहे वह परमाणु हो, अणु हो या आयंस हो, ठीक है, वो सभी जो होते हैं एक काफ़ी नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड की अपेक्षा जो होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है थोड़ा कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लेकिन द्रवों में जो डिस्टेंस होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वह सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन गैस में ऐसा बात नहीं होती है, गैसों में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल पार्टिकल के बीच जो होता है डिस्टेंस होता है बहुत ही काफ़ी अधिक होता है, और उसके बीच अंतरणिक बल जो होता है बहुत ही कम होता है, नगण होता है ना। तो हम ये भी जानते हैं कि ठोसों का आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है, आकार उसका अनिश्चित होता है लेकिन आयतन उसका क्या होता है, निश्चित होता है। गैसों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, जो आपने इस चीज़ को 9th 10th 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं और बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे ताकि आपको किसी भी कहीं भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ लिख दिया है यहाँ आपका, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वह तीन प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए यहाँ हमने कुछ बातें लिखा है, IMF इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतरणविक बल। ठोसों में क्या होता है, अंतरणविक बल जो होता है काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर सॉलिड है, इस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है अभी भी जो कण है, चाहे वो परमाणु होगा, अणु हो, आयन होगा, वो देखिए काफ़ी एक नज़दीक से क्या है, जुड़ा हुआ है, मतलब इसके बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कम होती है तो उसके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि रिलेशन में भी जहाँ किसी के बीच में, जब दो पर्सन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसके बीच में लगाव ज़्यादा होता है, प्रेम ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो हम ये भी जानते हैं कि अगर इसके बीच डिस्टेंस कम होगा, सबसे कम होगा, तो उस पर उस पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब अंतरणिक बल जो होगा काफ़ी अधिक होगा। ठीक है, इसलिए ठोस क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है, रिजिड होता है, मजबूत होता है। ठीक है, अब द्रवों में हम देखते हैं कि द्रवों में क्या होता है कि पार्टिकल जो है, देख रहे हैं आप, ये पार्टिकल जो है थोड़ा हट कर है, थोड़ा डिस्टेंस बनाए हुए, व्यवस्थित किए हुए हैं, तो ठोस से मतलब IMF मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, ठोस की अपेक्षा जो होता है इसमें कम होता है, द्रवों में ठोस से कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, और डिस्टेंस जो होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है, IMD जो होता है, अंतरणिक दूरी जो होता है, वह ठोस के अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठोस के अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, कम होता है। लेकिन गैसों में क्या होता है कि ठोस और द्रव की अपेक्षा जो होता है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतरणिक बल जो होता है काफ़ी कम होता है, नगण्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं अभी भी जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक व्यवस्थित होते हैं ना, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है क्या, इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, पार्टिकल बहुत दूर दूर तक व्यवस्थित होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर हम एक सिलेंडर में 100 ग्राम अगर गैस भी भरते हैं तो वो गैस का पार्टिकल जो होते हैं पूरे गैस सिलेंडर को ढक लेता है। ठीक है ना, तो ये इसका पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं और इसके बीच अंतरणिक बल जो होता है बहुत ही कम होता है।
हम रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं, जिसके बीच अगर रिलेशन अच्छा नहीं होता है तो वो आदमी बड़ी डिस्टेंस बनाए रखता है, मतलब उसके बीच में दूरियाँ ज़्यादा होता है। जहाँ दूरियाँ ज़्यादा होगा प्रेम कम होगा, ठीक है ना, तो वही डिस्टेंस ज़्यादा है पार्टिकल के बीच, तो इसलिए इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है गैसों में, बहुत ही कम होता है, नगण होता है। लेकिन ठोस में क्या होता है, हम जानते हैं ना, रिलेशन कहते हैं कि इसका रिलेशन बहुत ही ठोस है, मजबूत है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति जो होता है, पर्सन होता है, उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत नज़दीकियाँ होता है। जहाँ नज़दीकियाँ ज़्यादा होगा वहाँ प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड में डिस्टेंस पार्टिकल पार्टिकल के बीच काफ़ी कम होता है, नगण होता है, इसलिए इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, काफ़ी प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम क्या है, वर्क क्या है सॉलिडों में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम यही होता है कि सॉलिडों में जो पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल जो होता है, अभी भी जो कण होते हैं, उसको एक दूसरे को एक साथ बनाए रखने का काम करता है। मतलब पार्टिकल जो होते हैं, अभी भी जो कण होते हैं, वह एक सभी पार्टिकल को एक साथ बनाए रखता है, मजबूती से पकड़ कर रखता है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, ये ठोस के अणुओं को आपस में बांध कर रखने का इसका कार्य होता है, ठीक है ना। तभी तो पार्टिकल क्या होते हैं, जल्दी ठोसों में पार्टिकल बहता नहीं है, कहते हैं ना कि ठोसों में बहाव का गुण नहीं होता है, लेकिन द्रव और गैसों में क्या होता है, बहाव का गुण होता है। अब एक नए बात समझने का मौका मिलेगा, बहाव बहने की प्रवृत्ति ना, तरलता। कहते हैं कि ठोस, यहाँ हम लिख रहे हैं, अब देखिएगा, कहते हैं सॉलिड लिक्विड, मतलब ठोस द्रव जो होते हैं वह तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। क्यों तरल पदार्थ होते हैं, क्यों तरल पदार्थ होते हैं, ये ओह मिस्टेक से लिखा गया हमको, एक मिनट, लिक्विड गैस क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो होते हैं ना, थोड़ा हट होते हैं। सॉलिड में, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल मतलब अभी भी जो कण होते हैं वह थोड़ा हट कर होते हैं। गैस में तो पार्टिकल बहुत दूर दूर तक होते हैं। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, वो सॉलिडों का अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस का अपेक्षा ज़्यादा होता है, और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स का तो बहुत ही कम होता है ना। तो इसमें पार्टिकल पार्टिकल बीच में डिस्टेंस होती है, तो जब ये डिस्टेंस होगा तो उसमें बहने की टेंडेंसी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए लिक्विड गैस में क्या होता है, बहने की गुण पाया जाता है, इसलिए इसको तरल पदार्थ कहते हैं। लेकिन सॉलिड को कभी भी हम तरल पदार्थ नहीं कह सकते। सॉलिड को जहाँ रख देंगे वो वहीं रहेगा। जैसे कहते हैं, मान लीजिए कि अभी ये जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड को जहाँ रखा हुआ है वह वहीं है ना। अगर इस मार्कर को जहाँ रख देंगे वहीं रहेगा, बहेगा नहीं। क्यों नहीं बहेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है, अभी भी जो कण होते हैं, वह काफ़ी क्या है, मज़बूती से बंधा हुआ है ना। इसके बीच डिस्टेंस बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। और एक होता है थर्मल एनर्जी, इस बात का समझने की कोशिश करेंगे। थर्मल एनर्जी ना, उसमें ऊर्जा बोलिए या तापीय ऊर्जा बोलिए, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ठोसों में जो पार्टिकल जो होते हैं, अभी भी जो कण होते हैं, जो नज़दीक होते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करता है। मतलब ठोसों में जो अणु हैं, परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी होते हैं, अभी कण होते हैं, उस अभी कणों को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले लिख दिया कि यह ठोस के अणुओं को आपस में अलग रखता है। तो ठोसों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है ना, ताप दाब की सहायता से, ठीक है। जब हम ताप लगाएंगे, टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे, तो ठोसों की अवस्था को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठोसों को द्रव में, द्रव से हम गैस में, ठीक है। जब ठोस को गर्म करते हैं तो हम जानते हैं वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो वह गैस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह जब हम गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह लिक्विड स्टेट में चला आता है, और जब हम लिक्विड को और ठंडा करते हैं और फ्रीज करते हैं, तो वह सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को हम जानते भी हैं, ठीक है ना। तो इस बात को अपने हम आपको बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया है। तो एक बात याद रखिएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह सॉलिडों में पार्टिकल पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को, पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस को बहुत ही कम, काफ़ी हद तक डिस्टेंस नहीं होने देता है ना। मतलब उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वह ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम यही है कि पार्टिकल को आपस में बांध कर रखना, और
थर्मल एनर्जी का काम यही है कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच डिस्टेंस को बनाए रखना, मतलब जब उसको हम उष्मा देंगे तो पार्टिकल पार्टिकल बीच में क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कुछ बातें हुआ ना। चलिए अब हम सॉलिड स्टेट के डिफिनेशन की ओर हम चलेंगे, जो बहुत ही देर से हमें इंतज़ार था कि सॉलिड स्टेट आखिर होता क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा 9th 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड लेवल की ओर ले चलेंगे। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है कि ठोस अवस्था है क्या, ठोस अवस्था क्या है मतलब जिस पदार्थ का आकार आयतन, जिस पदार्थ का आकार आकार आयतन सब क्या होते हैं निश्चित होते हैं, वो क्या होता है ठोस होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे लिख चलते हैं। हमने साफ साफ लिख दिया है कि पदार्थ की वो अवस्था ना जिसका आकार आकृति, आकार मतलब क्या साइज, आकृति मतलब शेप, आकृति मतलब वॉल्यूम, आकार आकृति वॉल्यूम क्या होते हैं निश्चित होते हैं, और उसके कण जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं मतलब क्या निविड संकुलित होते हैं ना। ठोसों में जैसे भी देखिए ये अभी भी कण है, तो अभी भी कण क्या है ये क्लोजली पैक्ड है ना, निविड संकुलित है। अब निविड संकुलन क्या होता है वो आगे इसी अध्याय में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलकर बताएंगे आपको हम। तो इस पार्टिकल जो होते हैं अभी भी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं निविड संकुलित होते हैं मतलब क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके बीच डिस्टेंस क्या होती है बहुत ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो वह स्टेट पदार्थ का क्या कहलाता है सॉलिड स्टेट कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप इसको वीडियो को रोक रोक कर समझने की कोशिश करेंगे, और हम जो बोल रहे हैं अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ लिखने के लायक कुछ नोट्स करना है, नोट आपको लिखना है, नोट करना है, कॉपी कलम लेकर रहिए और आपको लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि पदार्थ की वो अवस्था, और ये जानते हैं भी हैं कि पदार्थ की प्रथम अस्थायी अवस्था होता है कौन ठोसे होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आकृति आयतन ज्यामिति डेंसिटी सभी क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, और उसके अवयवी कणों कण जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होता है वो क्या कहलाता है सॉलिड स्टेट कहलाता है। ठीक है, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा प्लास्टिक बर्फ हीरा ग्रेफाइट नमक चीनी प्लास्टिक लकड़ी ये सब क्या है ठोस अवस्था है ना, मतलब ठोसों की अवस्था है। ठीक है, ये सब क्या है सॉलिड स्टेट का आपका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देखा। अब एक मिनट में आपको हम रिवाइज करा देते हैं। आपने क्या पढ़ा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है जिसका आकार आकृति आयतन निश्चित होता है और वे क्लोजली पैक्ड होते हैं तो सॉलिड स्टेट कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपने देखा। लेकिन अगर इसको हम एक थोड़ा सा एक अलग लेवल का हम डिफिनेशन देने की कोशिश करें तो हम क्या दे सकते हैं। देखिए, एक नया चीज़ आपको सीखने का मौका मिलेगा। रूम टेम्परेचर पे जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, ध्यान सुनो आप। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब क्या कमरे के तापमान पर जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या गलनांक अत्यधिक होता है वह ठोस कहलाता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पे जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट MP क्या हो हाई हो हाँ वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका सॉलिड स्टेट कहलाएगा। याद रखना, पदार्थ की वह अवस्था जहाँ कमरे के तापमान पर उसका गलनांक का मान काफ़ी अधिक होता है वह सॉलिड स्टेट कहलाता है। इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है।